हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों के अपने चैनल ट्रैवल ऑन वेकेशन में। तो आप लोगों ने नेक्स्ट व्लॉग में देखा था, मैं जो गांव था, गांव से निकल के बाहर आया था। और अब गांव से निकल के बाहर आने के बाद हमें एक बस मिली, टूर एंड ट्रैवल बस थी। उसमें कार्तिक भाई थे हमारे, तो कार्तिक भाई ने हमें लिफ्ट दिया और उसके बाद काफ़ी कुछ उससे बातें हुई। और अब हम आ चुके हैं रन में, रन के पास आ चुके हैं। ये रन उत्सव चल रहा है, यहाँ का तो कुछ पता ही नहीं यार, सीन क्या है सीन क्या नहीं है। लोग फोटो शूट करवा रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। शायद आज आखिरी रन उत्सव का आखिरी दिन है आज, और यहाँ पे काफ़ी कम भीड़ है आज। नहीं तो लोग बता रहे हैं यहाँ पे डेली 4-4, 5-5 हज़ार भीड़ होती है, 4-4, 5-5 हज़ार लोग होते हैं। ओ ग्रेट, इधर जा सकते कि नहीं ये भी नहीं पता, ऊपर ही हो जाता हूँ अभी, कुछ पता नहीं है इधर जा सकते हैं नहीं जा सकते, शायद जा सकते हैं। पर यहाँ से मेन रन 5 किलोमीटर है, तो वो उसके लिए हमें लग रहा है हिचाइक करना पड़ेगा। अभी देखते हैं, वहाँ पे लोग गाना वाना बजा रहे हैं, ये हमारे गांधी जी, कितने रियलिस्टिक लग रहा है ना। अरे यार, ये पूरा बाजार टाइप एक बना हुआ है पूरा, यहाँ पे रन उत्सव का आज आखिरी दिन है, लेकिन पूरा बाजार टाइप बना हुआ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। ये देखो, ये सब सारे सामान मिल रहे हैं, कुर्ता वुर्ता, ये मेरे पास भी है। रामपुरी बटन वाले खोलना एक बार, मेरे पास भी है। ये मोर चंगा बजाने लिया, पुराने जो पुराने टाइप के ऑर्नामेंट होते थे राजस्थानी, अरे सॉरी गुजराती वैसे हैं। यहाँ देखो जूतियाँ मिल रही हैं, अरे हम क्या करेंगे जूतियाँ लेकर, हम बंजारे आदमी, हमारा कोई नहीं है। यहाँ पे शॉल्स मिल रही हैं, मतलब काफ़ी जो यहाँ का कल्चरल एक वो होता है, ट्रेडिशनल ड्रेसेस होते हैं, ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पे मिल रही हैं, गुजरात की जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं। काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, ऐसा मतलब फील आ रहा है गुजरात, जो पुराने गुजराती कल्चर होते थे, ट्रेडिशन होते थे, वैसा सब कुछ बना हुआ, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। ये देखो आप, इसको देखने में लग रहा है ऐसा हमारे घर पे नहीं, बचपन में अगर आप देखोगे तो अपनी नानी मामी गांव में बैठ के बनाया करती थी, मेरी नानियां तो बनाया करती थी इसको, आप लोगों को तो नहीं पता। शॉल्स हैं, ये वाला राजस्थान वो गुजराती स्टाइल का शॉल है आपका, अगर देखे होगे तो। ये टोपिया है ना, केप, काफी खूबसूरत लग रहा है। ये चूड़ियां काफी सुंदर हैं, जितना भी गुजराती स्टाइल में जो कुछ भी दिख सकता है, जो कुछ भी लग सकता है वो है, वो चीजें हैं यहाँ पे, काफी बेहतरीन लग रहा है देखने में। और लोग हमें देख रहे हैं कि ये सब कहाँ से आ गए, ये दो कहाँ से आ गए देखने के लिए, शूट करने के लिए। काफी खूबसूरत एरिया है, अभी मैं इनके पास चलता हूँ, इनका एक शूट करते हैं, देखते हैं कि इनका कैसा क्या स्ट्रक्चर है, क्या वो है। बाजार काफ़ी अच्छा रहे, देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है कि हाँ, जो राजस्थान में आपने देखा था, राजस्थान में भी काफ़ी बजाते थे लोग, और यहाँ पे भी बजा रहे हैं। अरे यार अंधेरा आएगा, I love Kutch।
चलते हैं, काफी खूबसूरत ये बाजार है। अब इधर से चलते हैं और आगे देखते हैं क्या सीन है। आगे का जो माहौल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक टाइम में जहाँ तक लोग बता रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड था लगता तो ऐसे देखने में। उधर खाने वाने के सिस्टम की तरफ हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर खाने के जाएंगे तो मुझे खाने का मन करेगा, और खाने का मन करेगा तो पैसे खर्च होंगे, और पैसे खर्च होंगे तो मेरे पास पैसे है नहीं कोई मुझे दे सके। अगर आप दे सकते हो तो मेरा नंबर काफ़ी लोगों को पता चल गया, सब लोग मेरे नंबर पे पैसे भेजो फटाफट, 5-5, 6-6 हज़ार रुपये भेजो। ये देखो, नहीं इनको नहीं दिखा सकता, सॉरी, महिलाओं को दिखाना सबसे बड़ा अपराध होता है ये सब। अब मेरे पे कुछ केस वेस कर दी तो गड़बड़ हो जाती है। आगे उधर चलते हैं, उधर भी वही सीन है। ओह, हमारे स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, वैसा ही सीन यहाँ पे भी बना है। आपको एक चीज़ और बताऊँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी में जाने वाला हूँ, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जब जाऊँगा तो कुछ हद तक सेम तो नहीं, कुछ हद तक ऐसा ही रहेगा। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति देख पा रहे हो आप लोग? नहीं 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 नहीं, हम तो ट्रैवलर हैं सर। इतना खूबसूरत लग रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति। यहाँ पे भी वही है, इनको पास से देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सोचो जब सामने से देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। सामने से देखना कितना मतलब बड़ी मूर्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। अभी तो हम यहाँ पे एक डमी देख रहे हैं, डमी कैसा होता है, एक डुप्लीकेट समझ लो उनका, एक स्टैचू वैसा देख रहे हैं नॉर्मल सा, लेकिन जब असली देखेंगे मज़ा आ जाएगा। अगर चलते हैं आगे, यहाँ पे इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा बना कर, और ये गवर्नमेंट कराती है, ये भी मुझे अभी पता चला कि ये गवर्नमेंट के थ्रू होता है, ऑर्गेनाइज होता है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बात क्या हुआ कि यहाँ पे जो हमारी जो ये है ना गुजरात सरकार, बहुत अच्छा काम कर रही है रन उत्सव को एक तरीके से प्रमोट करके, टूरिज्म को अपने गुजरात में प्रमोट कर रही है। तो मैं चाहूँगा अगर गुजरात यूपी गवर्नमेंट अगर देख रही है तो वो भी, हर स्टेट की गवर्नमेंट अगर देख रही है तो वो भी ऐसा कुछ करे जिससे कि अपने प्रदेश को और अपने स्टेट को आगे बढ़ाया जा सके। काफ़ी देखो कितना यहाँ से शायद ब्लैक है, लेकिन बहुत बढ़िया इन लोगों ने लगाया हुआ है, बहुत बढ़िया इन लोगों ने काम किया हुआ है अपने टूरिज्म को, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और अब हमें यहाँ से करीब करीब 1.5 से 2 किलोमीटर बताया जा रहा है वहाँ जाना, वहाँ परमिशन लगेगी, और फिर वहाँ से आगे हम वाइट रन में एंटर होंगे। देखो वाइट रन मैं चाहता हूँ सनसेट से पहले पहुँच जाए ताकि 2-3 फोटो अच्छी आ जाए। गोलू भैया की मैं तो फोटो का शौकीन हूँ, तो 2-3 फोटो अच्छी आ जाए और हम आगे बढ़ सकें। इधर जाना है हमें पैदल, हाँ इधर सीधा चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। थोड़ा आगे आए हम और यहाँ पे शायद अंदर जाने के लिए हमें कोई परमिशन की ज़रूरत होगी। परमिशन अभी गोलू भैया लेने के लिए गए हैं और ये है परमिशन लेने वाली जगह। काफ़ी मतलब एक चीज़ मैंने देखा जो गुजरात टूरिज़्म है काफ़ी अच्छे से टूरिज़्म को प्रमोट कर रही है, जैसे अपने उत्तर प्रदेश में आप दिल्ली में जाओगे, दिल्ली भी उतना अच्छा खासा नहीं है जैसे यहाँ पे प्रमोट कर रहा है टूरिज़्म को। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है इनके पास, एक्स्ट्रा कोई पहाड़ नहीं है या वैसी कोई चीज़ नहीं, समुद्र उधर साइड है पोरबंदर और द्वारका साइड, इधर कोई समुद्र नहीं, फिर भी कच्छ का जो टूरिज़्म है बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग सही तरीके से सही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अब देखो वो जो चीज़ यूज़ की हुई है उन लोगों ने, वो नॉर्मल वो तसले होते हैं, तसला बोलते हैं वो है, और ये नॉर्मल कोई भंगार होता है, भंगार मतलब कूड़ा करकट, उनसे बनाई हुई चीज़ें, तो कोई बहुत एक्स्ट्रा लेवल की चीज़ें ये नहीं बना रहे हैं, नॉर्मली चीज़ों को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। और यहाँ पे गोलू भैया बैठे हैं, क्या हुआ भरो? तो अभी मैं और गोलू भैया यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, उसके बाद मिलता हूँ आपसे। फॉर्म कुछ इस तरीके का है, दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो फॉर्म, और फॉर्म फिलअप करके मिलते हैं। तो हेलो गाइज, क्या हुआ, हम लोग वहाँ पे हम लोगों ने वो किया अपना जो भी हमारा डॉक्यूमेंट था उसको दिया और पास हुआ हमारा, हमारी टिकट हमें मिल गई, और टिकट मिलने के बाद अब हम निकल चुके हैं वाइट रन की तरफ। और ये देखो वाइट रन का एरिया, दूर दूर तक कोई गांव घर कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोग जो वाइट रन में जा रहे हैं, सिर्फ लोग हैं जो वाइट रन में जा रहे हैं और कोई भी नहीं है, देख रहे हो आप लोग,
तो पीछे चेक पोस्ट था, चेक पोस्ट पे हमें ऐसे एरिया पे नहीं दिखाना पसंद था, तो नहीं दिखाया मैंने। चेक पोस्ट था वहाँ पे, एक आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने हमें, हमसे ऑफिसर थे, उन्होंने हमसे हमारा डॉक्यूमेंट लिया, जो हमने हमने टिकट लिया था, पास हुआ हमारा। उसके बाद हमें फाड़ कर उन्होंने जो एक ऑफिसर वाला था वो रख दिया, और जो हमें देना था वो दे दिया, और हम जा रहे हैं। 5 किलोमीटर है तो सनसेट तो हमारा चलते चलते ही हो जाएगा, वहाँ जाकर थोड़ा थोड़ा देखेंगे, उसके बाद 8:30 बजे तक वापस आना, देखते हैं क्या करना है। और शायद आज रात को इधर ही कहीं कैंपिंग करना हो, कल सुबह निकलेंगे हम भुज के लिए, और भुज के लिए क्या निकलेंगे, कल सुबह हम द्वारका के लिए ही निकलेंगे, उधर ही उधर कोई रुकने का कोई मतलब नहीं है। सही टाइम पर अगर निकल गए तो कल द्वारका निकल जाएंगे रामनगर होते हुए, और बाकी चलते हैं भुज, देखते हैं क्या सीन है। तो मैंने आपको बताया था, पहले तो सबसे पहले हम रन आ गए, फाइनली हम रन आ गए, जो वाइट डेजर्ट जिसको बोलते हैं, वाइट रन बोलते हैं जिसको, वहाँ पे हम आ गए। बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही अच्छा व्यू, बहुत ही अच्छे लोग, और मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, नेक्स्ट ब्लॉग में आपने देखा था ताऊ की जो गाँव था, गाँव से हम निकले थे, और गाँव से निकलते ही हमें एक भाई ने लिफ्ट दिया था, तो ये है हमारा भाई कार्तिक। हाय हेलो गाइस, कैसे आप लोग? बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया बंदा है। क्यों बोल रहा हूँ बढ़िया ये, क्योंकि इसने खुद गाड़ी को रुकवाया, उसके बाद इसने हमें काफ़ी तरीके से हेल्प किया, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी कि हमें जाना कहाँ पे, हमें क्या करना है, तो उसने हमें बहुत अच्छे से नॉलेज हेल्प किया। और अभी ये शायद कन्फर्म नहीं हो, लेकिन शायद ये हमें ज्वाइन भी करेगा, ज्वाइन मतलब आप समझ रहे हो, ट्रैवलिंग के लिए ज्वाइन। तो देख सकते हैं, अगर होप फ्यूचर में अगर ऐसा होता है कि कार्तिक को मूड बनता है, उसका बदल सकता है, तो वो आ सकता है, हमें ज्वाइन कर सकता है, हमारे पास कोई भी आ सकता है। ये धड़क बिना सोचे आप बस कॉल करो, मैसेज करो मुझे, और मेरे पास आ जाओ, ट्रैवलिंग करने कोई टेंशन नहीं है, घूमेंगे सारे भाई मिलके। और ये देखो एक व्यू, बहुत खूबसूरत, वाओ वाओ, ये रहे हमारे सूरज देवता। ये देखो दूर दूर तक कोई घर नहीं, ये अपना भाई टूर एंड ट्रैवल कंपनी में जॉब करता है। अरे अरे अपने गोलू भैया, इनको तो जानते ही हो आप। और मेरा नाम अंकित है, मैं यूट्यूब वीडियोस बनाता हूँ, मुझे भी जान जाओ। अच्छा लोग बोलते हैं यहाँ का सीन क्या था, यहाँ पे बहुत बहुत पहले यहाँ पे समुद्र हुआ करता था, तो समुद्र यहाँ का सूख गया, और जैसे आपने पांसु भाई की वीडियो में देखा होगा, अगर आप जानते हो पांसु, आप सब जानते हो, मुझे नहीं जानते हो, लेकिन उनको सब जानता है, तो नोमैड उनके आपने डेड सी का नाम सुना था, डेड सी वाला सीन यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो समुद्र था वो सूख गया, और उसका जो नमक होता है, खारा पानी होता है समुद्र का, तो नमक यहाँ बच गया, जिसकी वजह से यहाँ पे सफ़ेद रेगिस्तान बन गया। यहाँ पे देखो जो मिट्टी आप देख रहे हो, ये पूरी सफ़ेद सफ़ेद है, स्नो की तरह आपको दिख रही होगी, लेकिन पूरी सफ़ेद सफ़ेद है, ये देखो आप। और इससे आगे और बेहतरीन है, कार्तिक बता रहा है, देखते हैं। वो देखो कार जा रही है, कितनी खूबसूरत लग रही है, चलते हैं। और ये सारा एरिया BSF के अंडर में आता है, तो BSF इसको फुल्ली और टोटली कंट्रोल करता है। हमारे आर्मी के जवानों का भी जवाब नहीं आता थे, यस भाई अपना यार, जो भी कहो आर्मी और BSF और पैरामिलिट्री कमांडोज जो भी है हमारे जवान सोल्जर्स, उनकी वजह से ही आज हम इतना फ्रीली घूम पा रहे हैं, हम बैग उठाकर पूरा इंडिया घूम रहे हैं बिना किसी डर के। हमारी इंडियन आर्मी को सल्यूट है यार। चलते हैं हम आगे, काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन इतने दूर, इतना बड़ा है ना ये कि टूरिस्ट पता ही नहीं चल रहा है कि कौन से टूरिस्ट आए कौन से नहीं आए। रहने के लिए सब ये टूरिस्ट हैं, बट वो अपने कंफ्यूज हो रहे हैं उनको देख कर। हाँ चलते हैं। देखो मिट्टी में जो नमक है ना वो पैर में घुस रहा है। वाइट रन आ गए हम लोग, आ गए वाइट रन के बीचों बीच, नॉट एग्जैक्टली बीचों बीच आ गए, क्योंकि यहाँ से कुछ एरिया के बाद BSF का कंट्रोल लाइन स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से नहीं जा सकते, लेकिन एक बोल सकते हैं बीचों बीच, यानी कि जहाँ तक आप आ सकते हो वहाँ तक के लिए बीचों बीच। और ये अपना कार्तिक, इसको तो जानते हो आप, और ये हमारा ऊँट, कितना प्यारा लग रहा है। और हाँ खींचते खींचते, ये देखो अपना सनसेट हो रहा है, या खूबसूरत, दूर दूर तक कोई नहीं,
कोई भी नहीं दिख रहा। बहुत कम लोग हैं, जो कुछ लोग हैं जो यहाँ पे फोटोशूट कर रहे हैं। देखो आप, यहाँ पे मैं और आपका भाई, क्या मज़ा आ रहा है यार, क्या मज़ा आ रहा है, सोच नहीं सकते आप। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो आप, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ है, लेकिन ये बर्फ़ नहीं है। ये देखो आप, ये बर्फ़ नहीं है, ये पूरा नमक है। हाँ, ये नमक है, बर्फ़ नहीं है। अगर आप सोच रहे हो बर्फ़ है तो नहीं, ये नमक है। और बहुत मैं स्टार्ट तो सकता नहीं क्योंकि यहाँ पे लोग चलते हैं, लेकिन काफ़ी गजब गजब का नज़ारा है। आपने बहुत पहले अमिताभ बच्चन का एक एडवर्टीजमेंट आता था राजस्थान, सॉरी गुजरात के ऊपर, उसमें रन को दिखाता था। देखो आप, यहाँ कोई भी दिख रहा है आपको? देखो, कोई भी नहीं दिख रहा। तो अब हम अपने वीडियो को क्लोज करेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बना, बहुत लंबी बन गई है। वीडियो को क्लोज करके अब हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा इधर इधर को देखना वेखना, क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है। और आपको तो मैंने दिखा दिया, मैं भी थोड़ा देखूँ, क्योंकि शूट करते टाइम नेगेटिव पॉइंट होता है कि आप चीज़ों को देख नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। आपको शूट 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 दिखता रहता है, लेकिन जब आप धीरे धीरे आप शूट को फील करते हो, कितना मज़ा आता है। तो मैं भी थोड़ा सा के साथ मैं भी एक फ़ोटो ले लूं, कार्तिक भाई के साथ एक ले लूं डालने के लिए इंस्टाग्राम है, यू नो आई एम वेरी फेमस। तो अभी इस जगह का जितना भी नमक है मैं कब्जा कर लेता हूं, उधर के नमक को लेकर आऊंगा, आपके पास भेजूँगा, मिलकर पैसे छापेंगे, किसी को बताना मत। ये मेरी स्कीम है, एक दिन में पैसा डबल कर लूँगा। ऐसा लग रहा है पानी में डूब रहा है।